गाइस कभी बद्रीनाथ टेंपल में गया तो नहीं कभी, बट हाँ यहाँ पे जो है दर्शन होने वाले हैं हमें, तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मैं गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप सब अपने अपने घरों में होंगे, मौज ले रहोगे, बढ़िया से मौज ले रहोगे। तो गाइज आज मैं आ चुका हूँ भारत दर्शन पार्क का जब ब्लॉग शूट करने, दिल्ली के अंदर है ये, तो आपको सारी जानकारी दूंगा कि एड्रेस क्या है इसका, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या पड़ता है, घूमने लायक जगह है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं मिलवाऊंगा आपको मैं कि आज जो इस ब्लॉग को जो है ज्वाइन कौन करने वाला है, एक बड़े यूट्यूबर है, उनसे पहली बार जो मेरा कोलैब हो रहा है मेरा, तो पहले मैं उनसे मिलवाऊंगा, देन आपको सारी जानकारी दूंगा इसके बारे में, देन इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया से। इस मैंने आपको बताया था ना कि एक बड़े यूट्यूबर से जो मेरा कोलैब है, तो मिलवाए तो आपको मैं। ये है हमारे पाजी, हेलो, इनके चैनल का नाम है द लेट बैक ट्रैवलर। हाँ जी मालको भाई साहब, ये बड़ा इसने बोला, आई होप इसने शरीर के लिए नहीं बोला। नहीं, मैंने चैनल के बारे में ही बताया है भाई, मैं फैन हूँ इसका, इसकी एडिटिंग का, मैं आपका जहां फैन जाता है, जो जो जगह पे जाता है, जो जो ये मेहनत डाल रहा है ना, और आप लोग इसका साथ दो, सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, और अब हम कहां आए हैं इकट्ठे देखना। बाकी यार पाजी के चैनल को भी आप एक बार ही देखना, दादा एडवेक ट्रैवलर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, सीरियसली मतलब बढ़िया बढ़िया जगह दिखा रहे हैं दिल्ली की। और वैसे तो यार ये मेरे से बहुत बड़े, बहुत ऊपर है मेरे से, लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देख लेना चैनल को यार, प्लीज। ना भाई, भाई हैं दोनों। बाकी जो पाजी के चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज देखना, एक बार विजिट जरूर करना यार। ये ना इतनी अप्रिसिएशन करता है ना कि मैं बंदा ना वहीं पे पिघल जाता है। थैंक यू सो मच भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका फैन हूँ, ये बढ़िया काम कर रहा है, और ये जो कर रहा है, नए जितने बच्चे आए हैं, जितने लड़के आए हैं, तो सबसे बढ़िया मेरे को इसका लगता है डेडिकेशन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। प्लीज इसका अच्छे से देखिए, और मेरा लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। बिल्कुल डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। मार्केटिंग करनी चाहिए, बाकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा आपके सामने। हाँ। सबसे पहले जो है भारत दर्शन पार्क के, अगर मैं अगर एड्रेस की अगर बात करूँ तो पंजाबी बाग जिंगरिंग रोड मोती नगर के पास है, और अगर मैं नियरेस्ट अगर मेट्रो स्टेशन की अगर बात करूँ तो पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन है पड़ेगा, और बाकी वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप पैदल भी आ सकते हो और ऑटो पे भी आ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो गाइस ये जो इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो है ओपन रहता है ये, और मंडे को ये है जो क्लोज रहता है ये, तो आप मंडे को मत आना, बाकी ओल्ड डेज आप आ सकते हो, कभी भी आओ, मंगलवार बुधवार वीरवार संडे को भी आप आ सकते हो, लेकिन सोमवार को ये बंद रहेगा। अगर मैं इसके अगर टिकट प्राइस की अगर बात करूं तो ये वीकडेज में जो है इसका 100 रुपये रहता है, और वीकेंड डेज में जो वीकेंड में जो रहेगा इसका 150 रुपये रहेगा पर बंदा। और उसके अलावा अगर बच्चों की अगर बात करूं जिसकी उम्र जो है 12 साल से कम की है, तो 75 रुपये जो है वो वीकेंड में रहेगा, और 50 रुपये जो रहेगा वो वीकडेज में रहेगा। तो गाइज यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है, भारत दर्शन पार्क के गेट नंबर 1 के बाहर जो है प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल है। इसके चार्जेस जो है वो नेक्स्ट क्लिप में आप आराम से, आप वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं। ये कुछ जानकारी थी इस भारत दर्शन पार्क के बारे में, बाकी अगर कुछ जानना है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, या फिर आप इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपकी स्क्रीन पे भी जो है आईडी आ रही है मेरी इंस्टाग्राम की, फॉलो भी कर लेना और डीएम करके पूछ लेना कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो। आप चलते हैं अंदर और अंदर से एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया से। गाइस अगर मैं आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा बताऊं ना, तो ये पुराने वाहन नट बोल्ट्स और पंखे वगैरह से जो है बनाया गया है ये, और अंदर चलते हैं अब इनकी कलाकारी देखते हैं कि कैसे बनाया गया। बहुत ही, मैं तो बहुत मतलब एक उत्तेजना हो रही है कि हाँ देखना ही देखना है यार, तो आपको भी दिखाऊंगा अपने ब्लॉग के थ्रू, मेरे ब्लॉग के थ्रू, हम सबके ब्लॉग के थ्रू। तो मिलते हैं अंदर, बढ़िया से एक्सप्लोर करते हैं इसको। पार्क में जो है सेकंड जो मॉन्यूमेंट रहेगा वो रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया का। इसकी अगर मैं ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 22 फीट है, लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 30x14 है, और वजन की अगर मैं बात करूं तो ये 18 टन का है ये, और इसको बनाने में जो है 160 दिन का जो टाइम लग गया था। बाकी डिटेल में जो है आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्लिप में। बाकी गाइस क्रेज देख रहे हो, यहाँ पे कितनी भीड़ है यार, कितनी पब्लिक आई हुई है भाई, देखो
और लोगों को कितना मतलब अंदर से ना मतलब अभी क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वर्ड, क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना। देखो मेरी अंग्रेजी कितनी कमजोर है, इंग्लिश मैडम है ये, तुमसे थोड़ी इंग्लिश भी सीखने को मिल जाएगी हमारे को। तो कितनी क्यूरियोसिटी है लोगों में, देखो कितनी देखने की, कितनी पब्लिक आई हुई है यार। गाइस इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो मोनूमेंट रहेगा वो रहेगा वट वृक्ष का। इसकी जो अगर मैं ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो ये 25 फीट ऊपर है ये, और लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो 25x40 फीट का है ये। वजन की अगर मैं बात करूँ तो ये 15 टन का है, और इसको बनाने में जो है 150 दिन लग गए थे। और किस किस मटेरियल से बना है और क्या क्या प्रोसेस है, अब वो नेक्स्ट क्लिप में आप आराम से आप देख सकते हो। गाइस इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो रहेगा मोनूमेंट वो रहेगा हवा महल। इसकी अगर मैं ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो 24 फीट है, लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो 30x10 फीट है, और अगर वजन की अगर मैं बात करूँ तो ये 14 टन का है। और अगर इसको बनाने में जो टाइम लगा था वो 200 दिन का लगा था। बाकी जो प्रोसेस है इसका बनाने में या फिर जो मटेरियल यूज़ हुआ है आप नेक्स्ट क्लिप में आराम से आप पोस्ट करके देख लीजिए। गाइज इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो रहेगा मोनूमेंट वो रहेगा गोल गुंबस का। अगर मैं इसकी ऊंचाई की अगर बात करूँ तो 30 फीट है, लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करूँ तो 26x26 है। टाइम जो लिया था इसको बनने में वो 180 दिन लगे थे, और अगर वजन की अगर बात करूँ तो 16 टन है। बाकी इसमें क्या प्रोसेस है इसको बनाने में या फिर क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है आप नेक्स्ट क्लिप में आप देख भी सकते हो। गाइज इस पार्क में जो है नेक्स्ट मोनूमेंट जो रहेगा वो कुतुब मीनार का रहेगा। अगर मैं इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करूँ तो 70 फीट है, डायमीटर की अगर बात करूँ तो 11 फीट, अगर मैं वजन की अगर बात करूँ तो 19 टन का, और इसको बनाने में जो है 180 दिन लगे थे। बाकी क्या प्रोसेस रहा इसको बनाने में, क्या क्या मटेरियल इसमें मतलब इसको बनाने में जो लगा है, आप वीडियो को पोस्ट करके नेक्स्ट क्लिप में आराम से देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। गाइस जो नेक्स्ट जो रहेगा मोनूमेंट इस पार्क में वो रहेगा नालंदा का। अगर मैं इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करूँ तो 50 फीट ऊंचा है ये, लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करूँ तो 46x50 है। अगर मैं वेट की अगर बात करूँ तो 15 टन, और समय जो इसमें लिया गया था वो 180 दिन बनने में लिया था। बाकी क्या प्रोसेस है, क्या मटेरियल जो है इसमें लगा है, आप नेक्स्ट क्लिप में वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो गाइज इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो मोनूमेंट रहेगा वो रहेगा मीनाक्षी मंदिर का। अगर मैं इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करूँ तो 42 फीट है, अगर मैं लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करूँ तो 26x12, और इसको जो बनाने में जो है 200 दिन का टाइम लगा था, और वजन की अगर बात करूँ तो 15 टन का है ये। इसके अलावा जो भी प्रोसेस है इसको बनाने में या फिर जो मटेरियल जो यूज़ किया गया है आप वीडियो को पोस्ट करके नेक्स्ट क्लिप में आप आराम से देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बीच में जो है खाने पीने का भी प्रॉपर अरेंजमेंट है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं भैया से। आप इसका भी बद्रीनाथ टेंपल में गया तो नहीं कभी, बट हाँ यहाँ पे जो है दर्शन होने वाले हैं हमें, तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको मैं। तो गाइस इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो मैं मोन्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है बद्रीनाथ मंदिर। अगर मैं इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करूँ तो 15 फीट है, लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करूँ तो 22.5x2 फीट है। अगर वजन की अगर बात करूँ तो 15 टन, और इसको टाइम जो लगा था बनने में वो 60 दिन का लगा था। बाकी क्या प्रोसेस है इसका बनाने में या फिर क्या मटेरियल यूज़ हुआ है इसको बनाने में आप नेक्स्ट क्लिप में पोस्ट करके आप आराम से देख भी सकते हो।
अभी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ द्वारकाधीश मंदिर, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब जन्नत में आ गया सीरियसली भाई साहब। हर मंदिर की जो है हमें मतलब लुक देखने को मिल रहा है हमें, मतलब गया तो नहीं मैं कभी यहाँ पे यार, बट हाँ मतलब अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा यार सीरियसली। अब दिखाता हूँ आपको मैं द्वारकाधीश मंदिर। पार्क में जो है नेक्स्ट मोन्यूमेंट रहेगा वो रहेगा द्वारकाधीश मंदिर का। अगर हम इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 15 फिट, लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो 22.5 x 2, और अगर वजन की अगर बात करूँ तो 15 टन, और इसको बनने में जो टाइम लगा था वो 70 दिन का लगा था। बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट क्लिप में आराम से मिल जाएगी। तो गाइज इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो मोन्यूमेंट रहेगा वो रहेगा रामेश्वर मंदिर का। अगर इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करें तो 20 फिट, अगर मैं लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करूँ तो 16 x 2 फिट, और अगर वजन की अगर बात करूँ तो 15 टन, और इसके अलावा इसको बनने में जो है वो 80 दिन लगे थे। उसके अलावा जो प्रोसेस था बनने का या फिर जो मटेरियल यूज़ हुआ है इसको बनाने में वो आप नेक्स्ट क्लिप में पोस्ट करके आराम से आप देख भी सकते हो। इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो मोन्यूमेंट रहेगा वो रहेगा जगन्नाथपुरी का। इसके अगर मैं ऊंचाई की अगर बात करूं तो 15 फिट, लंबाई और चौड़ाई अगर बताऊं आपको तो 15 x 2, अगर मैं वजन की अगर बात करूं तो 15 टन, और उसको बनने में टाइम जो लगा था वो 60 डेज़ का लगा था। बाकी क्या प्रोसेस है इसको बनाने में या क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है आप नेक्स्ट क्लिप में आप आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया, पर मैं सबको रिकमेंड करूंगा सर्दियों में आना। सर्दियों में बाकी ये भाभी भी आए हैं हमारे साथ, स्टार्टिंग में मिलवाना भूल गया यार। ये स्पेशली देखने आई हैं मोहब्बत पैलेस, जो कि एक मकबरा है। ये मोहब्बत वालों का मकबरा बनाती हैं, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट देना हो। इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो रहेगा मोन्यूमेंट वो रहेगा सांची स्तूप। तो गाइस अगर इसकी मैं ऊंचाई की सबसे पहले अगर बात करूं तो 23 फीट जो है ऊंचा है ये, डायामीटर जो रहेगा वो 30 फीट, वजन की अगर बात करूं तो 16 टन, और इसको बनने में 200 दिन का जो है टाइम लग गया था गाइस, 200 दिन का। बाकी की जानकारी जो है आप नेक्स्ट क्लिप में आप देख लीजिए कि क्या प्रोसेस है इसको बनाने में या फिर क्या क्या मटेरियल यूज़ हुए। गाइज अगर आप अपने बच्चे के साथ अगर आप आते हो, बच्चा आपका छोटा है तो बेबी फीडिंग रूम भी बनाया हुआ है, ये देखो सामने आपको मैं दिखाता हूँ आपको मैं, तो अपने बच्चे को जो है फीड वगैरह आप करवा सकते हो सामने ना, एक रूम बनाया हुआ है। गाइज इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो मोन्यूमेंट की बात करूँ तो मैं विक्टोरिया पैलेस है। इसकी अगर मैं ऊंचाई अगर आपको बताऊँ तो 20 फिट, और लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करूँ तो मैं 47 x 15 है, और इसको बनने में जो है 140 दिन का समय लगा था। बाकी क्या प्रोसेस है इसको बनाने में या क्या 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 मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है आप नेक्स्ट क्लिप में आराम से वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख लीजिए। तो गाइस इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो मोन्यूमेंट रहेगा वो रहेगा हम्पी रथ का। तो गाइज अगर मैं इसकी ऊंचाई की अगर बात करूं तो रहेगी 20 फुट की, अगर लंबाई और चौड़ाई की अगर बताऊं आपको मैं तो 23 x 17, और अगर वेट की अगर बात करूं तो वेट रहेगा इसका 15 टन का, और 140 दिन लगे थे इसको बनने में। बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट क्लिप पे आराम से मिल जाएगी, आराम से वीडियो को पोस्ट करिए और आराम से देख लीजिए आप। तो गाइस नेक्स्ट जो रहेगा मोन्यूमेंट इस पार्क में रहेगा वो रहेगा ताजमहल का। अगर मैं इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करूं तो 24 फिट, अगर मैं लंबाई और चौड़ाई अगर आपको बताऊं तो 21 x 21, अगर मैं इसकी वेट की अगर बात करूं तो 15 टन का, और इसको बनाने में गाइस 150 दिन का समय लगा था। बाकी क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें और क्या क्या मतलब क्या प्रोसेस रहा है इसको बनाने में आप वीडियो को पोस्ट करके नेक्स्ट क्लिप में आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हम आगरा पहुँच चुके हैं। आगरा आ गए, ताजमहल देखने जाते हैं।
गाइस इस पार्क में जो नेक्स्ट मोन्यूमेंट रहेगा वो रहेगा मैसूर पैलेस का। इसकी अगर मैं ऊंचाई की अगर बात करूँ तो 20 फीट रहेगा लंबाई, और चौड़ाई अगर बात करूँ तो 45 × 15, और वज़न अगर आपको बताऊँ तो 15 टन का वज़न है इसका। और इसको बनाने में जो टाइम लगा था वो 180 दिन का लगा था। बाकी क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है इसको बनाने में या क्या प्रोसेस है, तो आप नेक्स्ट क्लिप में जो है वीडियो को पोस्ट करके आराम से आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो रहेगा मोन्यूमेंट वो रहेगा चार मीनार का। इसकी अगर मैं ऊंचाई की अगर बात करूँ तो 24 फीट, अगर मैं लंबाई और चौड़ाई अगर आपको बताऊँ तो 22 × 22, वज़न अगर आपको बताऊँ तो मैं 17 टन का, और इसको 180 दिन जो है बनाने में लगे थे। बाकी का आप वीडियो पोस्ट करके आराम से आप देख लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट जो रहेगा इस पार्क में वो रहेगा कोणार्क मंदिर। अगर मैं इसकी ऊंचाई अगर आपको बताऊं तो 22 फीट, लंबाई और चौड़ाई अगर आपको बताऊं तो 23 × 35, और कितना हैवी है ये है 20 टन हैवी है ये, और इसको बनाने में जो है 180 दिन का जो टाइम लगा था। बाकी की जानकारी जो है आपको नेक्स्ट क्लिप में मिल जाएगी, आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज इस पार्क में जो है नेक्स्ट जो मोन्यूमेंट रहेगा वो रहेगा अजंता एंड एलोरा का। तो गाइज अगर इसकी ऊंचाई की अगर आपको बताऊँ तो 22 फीट ऊंचा, और लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करूँ तो 20 × 25 फुट है ये। उसके अलावा अगर मैं वज़न अगर आपको बताऊँ तो 22 टन है इसका वज़न, और 200 दिन लगे थे इसको बनाने के अंदर, 200 दिन। बाकी की जानकारी है जो आपको जो है नेक्स्ट क्लिप में मिल जाएगी, आराम से आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस भी पूरी शो की गई है। सामने आपको साइट दिख रही है, तो इस साइट पे जो है आप कॉन्टैक्ट करके जो है आप पेड़ पौधे भी अगर आप लगवाना चाहते हैं यहाँ पे तो आप लगवा सकते हैं आप। तो साइट पे जो है आपको एक बार प्रॉपर दिखा देता हूँ आपको मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपको मैं। इस पार्क का जो है लास्ट जो रहेगा वो रहेगा खजुराहो मंदिर। उसकी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 25 फीट की, लंबाई और चौड़ाई अगर आपको बताऊँ तो 30 × 15, अगर वज़न की अगर बात करें तो 15 टन है, और इसको बनाने में जो है 150 दिन का टाइम लगा था। गाइस ये कुछ था भारत दर्शन पार्क के बारे में आपको बताया मैंने। आई होप कि मैंने सारी जानकारी आपको इसके बारे में दे दी है, और अगर व्लॉग अगर पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना एज यूजुअल, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो कि थोड़ा पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना याद से यार। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।